विक्रम है, विक्रम विक्रम क्या? ओके नहीं। तो 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास एक अननोन पार्सल पहुंचा। अभी अननोन पार्सल क्या था वही मुझे आज बात करनी। पहले ऐसा सीन हुआ कि मेरा था एग्जाम और अर्ली इन द मॉर्निंग कोई पार्सल मेरे पास कभी पहुंचा नहीं आज तक। बट आई वॉज इन अ हरी कि मैंने इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लकीली डिलीवरी बॉय कैसे कैसे करके मैनेज करके मेरे पास पहुंच गया और मेरे पास एक पार्सल डिलीवर हो गया। मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा एग्जाम था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो मैंने 2 दिन तक इस पार्सल को अभी तक छुआ तक नहीं। मैं भूल एक बार, ऐसा नहीं कि मैं इस पार्सल के एक्साइटेड नहीं था, बट हाँ यार टाइम भी नहीं मिला। बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि मैं इस पार्सल को खोलूँ। गेट रेडी। सो द फर्स्ट थॉट व्हेन आई रिसीव दिस पार्सल वॉज कि यार पक्का कोई गलत डिलीवरी है, मेरे पास नहीं होगा ये, कुछ और किसी और को मेरे को वापस करना पड़ जाएगा, या तो मैं रिसीव अभी कर लेता हूँ यार क्योंकि बहस करने का टाइम नहीं है, मेरे को एग्जाम देने भी जाना है, मैं लेट भी हो रहा हूँ, सो मुझे ले लेना चाहिए एंड मैं वापस कर दूंगा। या तो ये मेरे दिमाग में आया कि यार शायद एड्रेस गलत डाल दिया बेचारे किसी ने, तो भी वापस ही करना है, मेरा तो नहीं है ये कन्फर्म ना। कुछ घंटों बाद मेरी ये डाउट्स क्लियर कर दिए मैंने रिसीव्ड सम मैसेज। जिसने मुझे भेजा था ये पार्सल उसने बिल्कुल सही जगह भेजा और ये मेरे पास पहुंच गया। बट हाँ अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि आई एम एक्साइटेड और मे बी आप लोग भी, तो ये पार्सल खोल लेता हूँ जल्दी से। आई नो काफ़ी वीरियड सी पैकिंग है इसकी, बट क्या करें, डिलीवरी ऐसी आई है तो ऐसी लेंगे, बट डजेंट मैटर यार, पैकिंग से क्या करना है, अंदर देखते हैं क्या है। एक अमेजोन का डब्बा, कुछ आवाज आ रही है मुझे, आई कैन गेस कि ये क्या है, बट पैकिंग खोलने में सच्ची है मुझे इतना टाइम लगा, पता नहीं कौन सी टेप कहाँ लगा रखी थी, अंदर इस बॉक्स की टेप खोल रखी है ऐसे करके, बट जो उसका जो पैकेज है उसमें ऐसी अनसन टेपें कहीं लग रखी हैं। अनिल यार क्या कर रहे थे डिलीवरी वाले, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ ठूस रखा था इसको। एक ओपन दिस, सो इट्स अ रिवील टाइम। ओ भाई इतना प्यार, वाह वॉच कुछ ऐसी सी है, व्हाट अ लवली वॉच यार। यार आई डोंट नो कि मतलब मैं सही में थोड़ा खुशी तो हो रही है मुझे, बट हाँ इट्स मतलब थोड़ा सा ऐसा इमोशनली भी बहुत ऐसा कनेक्ट सा फील कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो उस बंदे का नाम ले सकता हूँ मैं कि नहीं ले सकता हूँ अभी के लिए। आई नो मेरे को मुझे पता लग गया कि किसने भेजा है, और बट हाँ ब्रो यार भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड जेस्चर, व्हाट अ लवली गिफ्ट, और इतना ऐसा प्यारा सा गिफ्ट भेजने के लिए थैंक यू सो सो मच। नाउ द थिंग इज कि हाँ भाई विनीत भाई फैन मैन नहीं नहीं, तो द थिंग इज कि कई आपने बहुतों की वीडियोस देखी होंगी, शायद ना देखी हो तो मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ ऐसा होता है, लोग मेल वेल करते हैं आपको, मेल बॉक्स में डालते हैं कुछ चीज़, कुछ उनके लेटर वेटर उनके कुछ मैसेज वो जो भेजना चाहते हैं लोग आपको, बट थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा लगता है ऐसा सुनने में, फैन वर्ड, फैन मेल बॉक्स। सो आई थिंक कि इस फैन मेल को हटा के थोड़ा सा चेंज लाया जाए, और ये चेंज ऐसा है कि फैन के जगह अपन फ्रेंड कर देंगे, अपने सारे दोस्त हैं तो क्यों ना हम इसको फैन से फ्रेंड मेल करते हैं। सो बेसिकली आज मेरे को बताने के लिए आपको कुछ भी नहीं था आज, बट दिस थिंग दिस टोकन ऑफ लव रियली मेड माई डे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो आपको मोटिवेशन देती है काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और मैं भी अपने ब्लॉग्स के थ्रू अगर कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ या एक चेहरे पर मुस्कान ला सकूँ, डेट विल रियली ऑल्सो मेक माई डे, मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं ऐसे ही आगे काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सो
प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और खुश रहें। अच्छा सही बताऊँ तो यार ब्लॉग्स बनाने का आजकल थोड़ा सा ध्यान कम जा रहा था क्योंकि यार एग्जाम का भी सीन चल रहा है। हालांकि मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि यार इस पोजीशन पे बैठ के मैं ये नहीं करना चाहता कि गोली दूं आपको या टरकाने लग जाऊं कि यार अभी मेरा ये चल रहा है अभी मेरा वो चल रहा है। इसके अलावा भी एक लाइफ है, उसको भी संभालनी होती है एंड आई थिंक प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना चाहिए इंसान को, वही चल रहा है अभी। बट हाँ मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए मतलब पुरानी वाली वीडियोस देख लो यार, मजा आए। ओके टेक केयर, पीस। तो ऑलरेडी शाम हो चुकी है और मैं चाहता हूँ ये वीडियो यहीं पे खत्म करके मैं आज एडिट करके रात को अपलोड कर दूँ क्योंकि कल मैं वापस बिजी हो जाऊँगा, फिर मुझे नहीं पता कि मैं कब एडिट करूँगा कब डालूंगा, बसर भी मच जाएगी। और हाँ मैंने एक बार भी वॉच पहनी थी, ब्रदर बड़ी कूल है यार, थैंक यू सो मच।